हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है। दोस्तों आपका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। हम लोग चल रहे हैं चिकन बनाने। दोस्तों आप देख सकते हैं सब कुछ तैयार कर लिए है, चिकन भी धो लिए हैं, लहसुन प्याज मिर्चा अदरक भी पीस लिए हैं। चलते हैं बनाने। ये भैया मसाला घोल रहे हैं, पानी सूख गया, इसमें डालते हैं तेल, प्याज के साथ तेल डालें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं जीरा। गरम मसाला वाह, हिंदी में वैसे अच्छा मसाला दिए हैं, जो भी दिए हैं परफेक्ट दिए हैं। अब इसी प्याज में ये गरम मसाला भी डाल देते हैं, ये भी पकता रहेगा। इसको चला के ढक देते हैं। दोस्तों प्याज हमारा पक चुका है, इसमें डालते हैं चिकन। तो इसको बीच बीच में देखते रहना है, कहीं नीचे पकड़ने न लगे। एक बार इसको फिर ढक देते हैं, उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे लहसुन मिर्च अदरक। तो इसमें लहसुन मिर्च अदरक डाल देते हैं। अच्छी तरह चलाने के बाद इसको ढक देंगे। दोस्तों इसको हमको चेक बार बार करना पड़ता है, लहसुन अदरक मसाला डाले ना तो नीचे पकड़ने लगेगा। इसलिए दो दो तीन मिनट में चेक करते रहे। मसाला डाल के पका देता है। मसाला हमारा पक चुका है दोस्तों, चिकन भी पक चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पका लेते हैं, जो कुछ बचा होगा वो पक जाएगा। पानी डाल चुके हैं दोस्तों, अब इसको पका लेते हैं 5 मिनट और, पानी पक जाए उतार के रख देंगे। दोस्तों हमारा चिकन बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। हम रोटी बनाने चल रहे हैं, लल्लू भैया हमारे रोटी बेल रहे हैं। दोस्तों हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है, अब चल रहे हैं खाना खाने। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।